एक तरफ जहां देश का खजाना केंद्र की सरकार लुटवा रही है, लूट रही है, देश को घाटे में डाल रही है, उस बड़े लूट की भरपाई करने के लिए सामान्य लोगों पर इस प्रकार का बोझ डाल रही है, आम जनता के ऊपर ये जो प्रहार है, भारतीय जनता पार्टी इस पीड़ा में देश के लोगों के साथ खड़ी है और कतई इस स्थिति को स्वीकार नहीं करेगी। जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, क्रूड ऑयल के दुनिया में दाम घट रहे हैं, भारत में हर दिन दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम क्यों है। ऐसी संवेदनहीन सरकार हमने कभी नहीं देखी कि लूट कर रही है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कंट्री की इकोनॉमी पर इस गवर्नमेंट की जो एक पकड़ होनी चाहिए, एक ग्रिप होनी चाहिए, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है और जैसे लगता है कि हमारे देश की इकोनॉमी एकदम बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो गई है। महंगाई यदि बढ़ रही है तो इस गवर्नमेंट की रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, रॉन्ग इकोनॉमिक प्लानिंग और करप्शन प्रमुख रूप से तीन कारण है जिन कारणों से महंगाई बढ़ रही है। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें, पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे,